हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम कैसे हम इस AWS EC2 सर्वर पे हम हमारी वेबसाइट का एंटायर सेटअप करेंगे, जिसमें कि आज हम एक EC2 सर्वर लॉन्च करेंगे और उस पे हम एक वेबसाइट होस्ट करेंगे, जिसपे हम पहले वो वेबसाइट एटी पे रन करेंगे और उसको फिर उस वेबसाइट को हम SSL ऐड करेंगे। एकदम से एक लाइव सिनेरियो है आपके लिए, प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के दौरान। अब मैं यहाँ पे मुंबई रीजन में हूँ, यहाँ पे मेरा एक बी सी टू इंस्टेंस रनिंग नहीं है। मैं भी हमारी वेबसाइट के लिए एक सर्वर लॉन्च करूँगा। सर्वर मैंने भी लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम देना है। मैं फर्स्ट वेबसाइट में सर्वर का नाम देता हूँ। यहाँ पे मैं अभी उबंटू में सिलेक्ट कर लेता हूँ, 22। मैं भी हमारे वर्कलोड के लिए मैं भी T2 माइक्रो ही रखूँगा। यहाँ पे आप की पेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम हमारे जो एग्जिस्टिंग वाले की पेयर है वो ही सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे नई की पेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क पे हम यहाँ पे कस्टमाइज VPC भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे अभी अकाउंट में एक VPC है, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट VPC ही यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे सर्वर को पब्लिक एड्रेस IP एनेबल रखिए, जो कि हमारी वेबसाइट रहेगी वो पब्लिक के लिए एक्सेस रहेगी। यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप में हम SSH का एक्सेस देंगे, HTTP का और HTTPS का। HTTP और HTTP का एक्सेस रखेंगे क्योंकि हमारी वेबसाइट एंजिनिक्स सर्वर पर रन होंगी, तो एंजिनिक्स का पोर्ट नंबर 80 रहता है HTTP का। और HTTPS इसलिए हम ओपन रखते हैं क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है सिक्योरली रन हो, मतलब कि 443 पे विद द SSL सर्टिफिकेट, उसके लिए हमने HTTPS की भी ऑन रखा है। यहाँ पे स्टोरेज पे हम यहाँ पे 8 GB रखेंगे और एडवांस डिटेल में यहाँ पे कोई भी ऐसे यूज़र डाटा वगैरह ऐड नहीं करने वाले, हम सभी सर्वर पे ही ऐड करेंगे। अब सिर्फ आपको यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अभी जो इंस्टेंस था वो भी रनिंग स्टेट में, मैं भी रनिंग स्टेटस आपको दिखा देता हूँ भी, मतलब पेंडिंग सेट में, तो जैसे नहीं दिखा रहा है, तो देख सकते हैं ये हमने किया था अभी सर्वर, माय फर्स्ट वेबसाइट, वो भी पेंडिंग सेट में है। यहाँ पे अभी वो रनिंग सेट में आ चुका है। तो तब तक हम हमारे की पेयर को परमिशन दे देते हैं, 404 कीपेयर का नाम, वेबसाइट सेटअप डॉट पे। देखिए हमारे कीपेयर लॉगिन करते समय हमें कोई भी इशू फेस नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मिनल व्यू और मेरा यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर अभी जो मेरी कीपेयर थी प्रेजेंट थी, तो उसको मैंने 404 मतलब रीड की सिर्फ परमिशन दे दी है, सिर्फ यूजर को, और 00 अदर्स और ग्रुप्स को मैंने कोई भी परमिशन यहाँ पे नहीं दी है। आपको भी सेम ऐसे 404 ही परमिशन रखना है। यहाँ पे आप पुटी से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं गिटबैश से लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा सर्वर है, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में, यहाँ पे मेरे सर्वर का 3 पोर्ट ओपन रहेंगे, 22, 443 एंड द 80। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 पोर्ट ओपन है। तो आप जब भी आप वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो आपको मे भी वेबसाइट नहीं दिख रही है, कोई भी इशू आ सकता है, तो आप इस सिक्योरिटी ग्रुप आप ज़रूर चेक कर लेना ऐसे ही सेम है क्या आपके। यहाँ पे हम अभी नेटवर्किंग में चल जाते हैं। नेटवर्किंग में हम सबनेट को देखेंगे, सबनेट को इंटरनेट गेटवे अटैच है क्या, इंटरनेट गेटवे हमारे इंस्टेंस को जो इंटरनेट की हेल्प लगेगी जो भी हमारी वेबसाइट होस्ट करने के लिए, उसके लिए हमें मदद करता है, तो हम अभी चेक करते हैं। मेरा सबनेट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं राउट टेबल्स में जाके, यहाँ पे देख सकते हैं इस सबनेट को इंटरनेट गेटवे अटैच है, IGW इसके राउट में प्रेजेंट है, मतलब हमारे EC2 इंस्टेंस को इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी है। तो हम अभी कनेक्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे कनेक्ट क्लिक कर देना, SSH क्लाइंट का ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, उसको सिलेक्ट करके इसकी जो एग्जाम्पल है वो कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पे आपके गिट बैश पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जहाँ पे आपकी की पेयर प्रेजेंट है उधर आपको पेस्ट कर देना है। मैं भी एंटर कर दिया, पेस्ट कर देना है आपको। यहाँ
पे देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली हमारे सर्वर को लॉगिन कर दिया है। हमें भी रूट से लॉगिन करते हैं, सुडो हाइफन आई करके हम यहाँ पे रूट से लॉगिन हो चुके हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, सर्वर पे इंजीनिक्स इंस्टॉल करें। इंजीनिक्स की हेल्प से हमारी इंजीनिक्स ही वेब सर्वर है जिससे कि हमारी वेबसाइट हम उस पर होस्ट कर देते हैं। तो हम पहले इसको हमारे जो अभी भी इंस्टेंस लॉन्च किया तो इसके हम पैकेज अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते पैकेज अपडेट स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। जो भी हमारे पैकेजेस होंगे रिपोजिटरीज होंगे वो उबंटू के वो यहाँ पे पेज होकर वो अपडेट होने लगे। यहाँ पे पैकेज हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पे इंजीनिक्स इंस्टॉल कर लेते हैं, एपीटी इंस्टॉल एंड इंजीनिक्स। यहाँ पे एस कर देना। यहाँ पे हमारे इंजीनिक्स भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इंजीनिक्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। देख सकते हैं इंजीनिक्स हाइपन भी करते हैं, हमारे यहाँ पे इंजीनिक्स का ओरिजिन हमें शो कर रहा है। तो हमें अभी इंजीनिक्स का इंस्टॉलेशन हमारे सक्सेसफुली हो चुका है, वो उससे भी चेक कर सकते हैं। कर्ल हमें यहाँ पे आईपी हमारे पब्लिक आईपी कर लेते हैं तो ये कमांड से हम हमारा पब्लिक आईपी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस पब्लिक आईपी को हम क्रोम में जाके यहाँ पे हम पेज कर देंगे तो हमें इंजीनिक्स का डिफॉल्ट पेज दिखेगा। ये देखिए हमारा वेलकम टू इंजीनिक्स, मतलब इंजीनिक्स का इंस्टॉलेशन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम अभी क्या करेंगे, इंजीनिक्स की एक सैम्पल कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें हमारा जो कोड है वो पेस्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सैम्पल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो ये मेरी सेकंड वन ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, मैं भी इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सर्वर लिखा है, सर्वर कौन से पोर्ट पे रनिंग होगा ना, 80 पोर्ट पे रनिंग होगा। तो यहाँ पे हमारा सर्वर का नेम लिखा है, मेरा है जो डोमेन नेम है जो आपको दिख रहा है मेरा डोमेन नेम है। तो आप यहाँ पे आपका डेमो डोमेन नेम ऐड कर सकते हैं और इंडेक्स में जो भी हमारा इंडेक्स फाइल रहेगी, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स डॉट पी एच पी इंडेक्स डॉट एच टी एम है, तो मेन फाइल होगी जिस पर हमारा कोड रहेगा। मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे रूट मतलब कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल कहाँ पे प्रेजेंट है तो उसका हम पाथ देंगे। एक्सेस लॉग एरर लॉग है कि जो भी हमारी वेबसाइट है उसके जो यूजर्स एक्सेस करेंगे जो इंटर जो उसके लॉग रहेगी वो यहाँ पे इस दो एक्सेस लॉग इस फाइल में आएंगे और एरर लॉग इस फाइल में आएंगे। तो मैं भी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे /etc के अंदर जाना है आपको, फिर इंजीनिक्स फिर यहाँ पे इंटर कर देना। यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स दिखेंगे, आप यहाँ पे साइट्स अवेलेबल साइट्स इनेबल भी आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे जो भी मेरी इंजीनिक्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको मैं con.dim में ऐड करूँगा और जो इंजीनिक्स का डिफॉल्ट पेज हमें दिख रहा है ये हमारे इंजीनिक्स डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल की वजह से दिख रहा है हमें अभी। तो मैं अभी con.dim में मेरी कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी भी फाइल प्रेजेंट है। तो मैं अभी यहाँ पे मेरा फाइलकान में नाम देता हूँ, फाइल का आप नाम क्या भी रख सकते कुछ भी रख सकते हैं लेकिन आपको एंड में उसके con.d आपको देना ही है। मैं यहाँ पे अभी मेरा वेबसाइट का नाम shivam.xyz.com देना है, vi करके मैं भी एंटर करता हूँ, यहाँ पे एंटर इंसर्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। जो कॉपी नहीं हुआ मैं यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे। अब इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए हम यहाँ पे एक इसकी लॉग डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और इसका हम इसके हम जो रूट के अंदर जो हमने पाथ दिया है उस पाथ को भी हम क्रिएट कर देंगे। मैं इसे भी सेव कर देता हूँ, मैं कैंड करके आपको दोनों भी पाथ क्रिएट करके दिखाता हूँ। मेरी यह कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अभी सेव की,
इसके लिए हमने अभी यहाँ पे रूट डायरेक्टरी दी गई जिस पर हमारा कोड प्रेजेंट होगा। डायरेक्टरी को हम डिलीट कर देते हैं mkdir एंड जो हमने कॉपी किया हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं रूट डायरेक्टरी जहाँ पे हमारा जो पाथ होगा वो हमारा यहाँ पे। आपको सिर्फ एक्सेस लॉग में आपको सिर्फ ये आपको यहाँ तक आपको कॉपी कर देना है। एक्सेस लॉग और एरर लॉग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। mkdir और यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो हमने लॉग्स डायरेक्टरी भी क्रिएट कर दी थी। हम भी कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट क्रिएट करते देखते हैं। हम देख सकते हैं सक्सेसफुली मतलब हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई भी एरर्स नहीं है। हम यहाँ पे अभी कोड पेस्ट कर देते हैं हमारे वेबसाइट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ये जो फाइल है इसके अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का पेज क्रिएट करेंगे। मैंने एक सैम्पल जो ऑनलाइन ही मैंने एक क्लास वालों का एक कोड कॉपी किया है और मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। रैंडम वेबसाइट का कोड है। देख सकते हैं मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया है जिसमें कि हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दिख जाएगी। ये कोड ऑलमोस्ट 2000 प्लस लाइन का है तो इसके लिए हमें टाइम ले रहा है। यहाँ पे पेस्ट ही कर रहा है अभी, इसके लिए टाइम लेगा क्योंकि हमने वेबसाइट का ऐसे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करके हमने कॉपी पेस्ट किया है। हमें भी सेव कर देते हैं यहाँ पे एडिटर से हमने इसको सेव कर दिया। हम जो अभी GoDaddy पे जाके जो हमारा सर्वर का आईपी है उसको हम चेंज कर देंगे। मेरा अभी सर्वर का आईपी है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। पब्लिक आईपी की चेक करने के लिए एक कमांड है कर्ल ifconfig.yaml। तो मैं भी GoDaddy पे जाता हूँ और यहाँ पे आईपी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मैं अभी प्राइमरी डोमेन को ये आईपी ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एडिट ये मेरा डोमेन नेम है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये मेरा डोमेन नेम है। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरा एग्जिस्टिंग वाला आईपी है मैं इसको चेंज कर देता हूँ। चेंज कर रहा हूँ मेरा जो अभी सर्वर का पब्लिक आईपी है वो तो मैं अभी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। मैंने भी कॉपी कर लिया है मैंने अब पेस्ट कर दिया। फिर हमने 600 सेकंड का रखा है सिर्फ 5 मिनट का। हमने DNS रिकॉर्ड यहाँ पे हमारा अपडेट हो चुका है। तो हमें भी DNS रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है वो हम चेक कर लेते हैं। डिग कमांड से हम चेक कर सकते हैं डिग हमारी वेबसाइट का नाम। फिर देख सकते हैं ये आंसर सेक्शन में हमारा जो सर्वर का पब्लिक आईपी है वो दिखा रहा है। मतलब हम अभी इस DNS को नाम को कॉपी कर लेते हैं और हम होम पे जाके पेस्ट कर देते तो हमें हमारी वेबसाइट दिखनी चाहिए। फिर हमें इंजेक्स का पेज दिख रहा है क्योंकि हमने इंजेक्स सर्विस को रिलोड नहीं मारा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको इंजीनियरिंग सर्विस को रीलोड या रिस्टार्ट जरूर मारें। पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट कर लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट आपको सक्सेसफुल आ गई तो ही आप इंजीनियरिंग सर्वर को रीलोड या रिस्टार्ट मार लें। अभी इंजीनियरिंग को रिस्टार्ट मारा है मेरे रिस्टार्ट सक्सेसफुल हो चुका है। हम यहाँ पे रीलोड करके देखते हैं
पे देख सकते हैं रीलोड करती है, हमारा जो वेबसाइट का जो कोड है वही हमें दिखा रहा है। हमें सक्सेसफुली हमने ATP हमने वेबसाइट तो रन कर ली है। जो मेन पार्ट रहता है अभी यहाँ पे देख सकते हैं नॉट सिक्योर, मतलब कि हमारा मेन पार्ट जो SSL हमको इस वेबसाइट को लगाना है, तो हम भी SSL को भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो SSL के लिए हम सर्ट बोर्ड का, मतलब जो लेटेस्ट इनक्रिप्ट का रहता है SSL फ्री वाला, वही यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने कमांड है APT इंस्टॉल सर्ट बोर्ड, हम NGINX के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी NGINX के लिए ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये सेम कमांड आप यूज़ कर लीजिए। पेस्ट कर दिए, इस कर देना। सर्ट बोर्ड जो हमें प्री SSL सर्टिफिकेट 3 मंथ्स के लिए प्रोवाइड कर देता है, तो हम इसको 3 मंथ के रिन्यू 3 मंथ के बाद रिन्यू भी कर सकते हैं। सर्ट बोर्ड हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अभी आप देखिए, अभी जो मैंने सर्ट बोर्ड इंस्टॉल कर दिया, अभी जो मेरी ATP वाली कॉन्फिगरेशन फाइल थी वो ऐसी थी। अभी जो मैं इसके लिए SSL सर्टिफिकेट अपडेट कर दूंगा, तो सर्ट बोर्ड जो है ना वो आप कॉन्फिगरेशन फाइल में भी चेंजेस कर देता है। तो आप इस फाइल को भी चेक कर लीजिए, और SSL सर्टिफिकेट के बाद भी हमारी जो फाइल रहेगी वो कैसे रहेगी वो भी आप चेक कर लेना। तो मैं अभी पेस्ट कर देता हूँ कमांड को। हम अभी क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सर्ट बोर्ड जो हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है उसका नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यहाँ पर हाइपन हाइपन NGINX, और यहाँ पे हम हमारा जो डोमेन नेम है उसको हम यहाँ पे दे रहे हैं, देख सकते हैं। अभी यहाँ पे एंटर कर देंगे, मैं पे ईमेल एड्रेस ऐड कर देते हैं। ऐसा हम इसको टर्म ऑफ सर्विसेज को बेस कर देते हैं। यहाँ पे इसने अकाउंट रजिस्टर कर दिया है, और यहाँ पे भी सर्टिफिकेट के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल कर दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, योर सर्टिफिकेट हैज़ बीन सक्सेसफुली डिप्लॉयड। अब मैं यहाँ पे आपको कॉन्फिगरेशन फाइल आपको दिखा देता हूँ, हमारी जो पहली वाली थी वो कैसी थी अभी देख लेते हैं आप कैसी है। अभी प्लेस कर देता हूँ, कौन डॉट डिग में हमारा कॉन्फिगरेशन फाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कॉन्फिगरेशन फाइल में ऑटोमेटिकली उसने सर्ट बोर्ड ने SSL सर्टिफिकेट भी ऐड कर दिए है। यहाँ पे LSN 443 की उसने एंट्रीज ऐड कर दिए। हमारी जो कॉन्फिगरेशन फाइल थी वो पहले कैसी थी, मैं सिर्फ हमने ATP की एंट्री ऐड की थी। यहाँ पे उसने सर्ट बोर्ड ने ऑटोमेटिकली उसमें जो है 443 की एंट्री ऐड कर दी है। कैंसिल कर देते हैं, अभी यहाँ पे NGINX को रिलोड मार देते हैं। यहाँ पे कमांड में स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैंने भी रिलोड मार दिया। तो हम भी चलते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा कनेक्शन इज सिक्योर, मतलब हमने यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे वेबसाइट पे जो है ना SSL सर्टिफिकेट का भी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन लेटेस्ट इनक्रिप्ट का, यहाँ पे आर सर्ट बोर्ड लेटेस्ट इनक्रिप्ट। तो आपको हमने यहाँ पे एक EC2 सर्वर लॉन्च किया, उस पर हमने ATP वेबसाइट रनिंग की, अभी हमने 443 पे भी इसको वेबसाइट को रन कर दिया है। तो हमने GoDaddy पे जो हमारा सर्वर का पब्लिक IP है उसको हमने मैप कर दिया है। तो भी जो जो भी आपने किया इस पर करते समय आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, तो हम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।